जैसे ही करीब आए तो ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देना ताकि सब सुने। अरे तुम फिक्र ही मत करो। अरे भाई तुमने ये क्या किया? किरण के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता था। पिछले दिनों दुबई के मशहूर ताजिर ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा। अच्छा खासा अमीर कभी लड़का था और तुमने उसके बारे में सोचने तक की जहमत नहीं की। क्यों भाई, क्यों किया ऐसा? इसलिए कि मेरी बेटी को जरबाब पसंद आ गया था। अब बेटी की खुशी को भी तो देखना था ना। अच्छा तो ये लव मैरिज है? लड़का तो बहुत अच्छा है और खानदान भी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जितने अच्छे रिश्ते किरण के आए थे उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है। और वैसे भी मैंने पैसा थोड़ी देखा है, मैंने तो जरबाब की सीरत देखी है। पैसे वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन बासीरत नहीं मिलता। ठीक क्या? अच्छा मैं बाकी रिश्तेदारों को देख लूँगी, उनके ससुराल वालों से अभी मुझे मिलना बाकी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। खुश लग रही है। मम्मी अपना मुंह ठीक कर ले, सब देख रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं शादी के लिए मान गई हूँ, यही बहुत है। अगर मुझे पता होता ना कि ये लोग इतने गिरे हुए लोग होंगे तो मैं जरबाब का रिश्ता कभी यहाँ ना करती। ये लोग तो फ्रॉड निकले, शादी से एक दिन पहले अपनी इन्होंने औकात दिखा दी। मम्मी जो होना था वो हो गया है, अब इन बातों का क्या फायदा? अम्मी अम्मी जरबाब भाई खुश है, हमारे लिए बहुत है। अरे वो तो पागल हो गया इस लड़की के पीछे, लड़कियां कम थी उसके लिए जो यहाँ पे रिश्ता किया इसने अपना। आप लोगों ने अच्छे से खाना खाया? कुछ और चाहिए तो बताइए। जी जितना खाना था खा लिया, थैंक यू।